वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक मिक्स वेरिएबल पजल को करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से अटेम्प्ट करें एंड फिर आप इस वीडियो को देखें। जो भी फीडबैक्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एंड अपनी क्वायरीज को cafreasoning@yahoo.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से करिए एंड अपनी जो टाइम है उसको भी सेट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को करने में 4 to 5 मिनट्स लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे 6 गर्ल हैं जिनके नेम गिवन है, पिंकी, स्मृति, आशा, रिचा, ट्विंकल एंड उषा। ओके, हु लाइक्स डिफरेंट फ्रूट्स, ऑरेंज, मैंगो, लीची, एप्पल, बनाना एंड पपाया। उनको डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है जिनके नेम है ऑरेंज, मैंगो, लीची, एप्पल, बनाना एंड पपाया। ओके, एंड देन दे ईट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ डे विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 11। तो जो दिन में वो फ्रूट्स खाती हैं उनका जो नंबर है वो या तो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 11 है, मतलब 2 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो इन नंबर्स के बीच में ये लोग जो फ्रूट्स है वो खाती हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग यहाँ पे कि यहाँ पे 6 गर्ल्स हैं। ओके, तो 6 लड़कियाँ हैं लेकिन यहाँ पे आप अगर नंबर काउंट करोगे टोटल कितने नंबर हैं, 3, 3, 6 एंड 9। ओके, टोटल नंबर जो है वो 9 है और यहाँ पे गिवन हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो हाँ, कुछ नंबर्स जो है उनका हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो गिवन है Only स्मृति एंड पिंकी ईट सेम नंबर ऑफ फ्रूट। तो जो स्मृति एंड पिंकी हैं, सिर्फ ये दो ऐसी गर्ल हैं जिनको सेम नंबर ऑफ फ्रूट खाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये 6 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, बिकॉज यहाँ पे 6 गर्ल हैं लेकिन स्मृति एंड पिंकी जो है वो सेम नंबर ऑफ फ्रूट खाएंगी, तो यहाँ पे आपका एक नंबर और कम हो जाता है। तो 9 में से हमें 5 नंबर का यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम लोग अपना यहाँ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं गर्ल्स के नेम लिख देती हूँ जो कि है पिंकी, देन स्मृति, ओके, आशा, रिचा, ट्विंकल एंड उषा। ओके, तो जो भी हमारी फिक्स करने के वेरिएबल आएंगे उनको हम फिक्स करते जाएंगे एंड बाकी की पॉसिबिलिटीज को हम बनाते चले यहाँ पे जाएंगे। आगे गिवन है आशा लाइक बनाना एंड ईट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स। उससे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि जो स्मृति एंड पिंकी, ओके, स्मृति एंड पिंकी और आगे लिख देते हैं सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। ओके, देन आशा लाइक बनाना, आशा को बनाना पसंद है तो यहां लिख लेते हैं बनाना। ओके, एंड ईट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट, और ये जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट खाती है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रूट खाती है तो ऑब्वियसली ये कितने फ्रूट्स खाती होगी, 10 फ्रूट्स खाएगी, तो ये तो फिक्स हो जाएगा इसका 10, राइट। देन उषा हु लाइक पपाया ईट 3 फ्रूट लेस देन दैट स्मृति। तो जो उषा है जिसको पपाया पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पपाया। ओके, जो उषा जिसको पपाया पसंद है ईट 3 फ्रूट लेस देन दैट स्मृति, तो वो जो है 3 फ्रूट लेस खाएगी, किससे, स्मृति से, मतलब स्मृति जितने भी खाएगी उसमें से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो किसका नंबर आ जाएगा, उषा का नंबर आ जाएगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि स्मृति कि फ्रूट्स में से अगर हम -3 करें तो किसका फ्रूट आ जाएंगे, आपके उषा के आ जाएंगे। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उषा में अगर आप 3 को प्लस करें तो किसके फ्रूट आ जाएंगे, स्मृति के आ जाएंगे, और स्मृति एंड पिंकी जो है वो सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स खा रही है। ओके, देन ट्विंकल लाइक्स मैंगो, ट्विंकल को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है, तो इसको लिख लेते हैं ट्विंकल लाइक मैंगो एंड ईट 2nd lowest नंबर ऑफ फ्रूट्स विच इज़ अ प्राइम नंबर। और ये जो है क्या खाती है, 2nd lowest नंबर फ्रूट खाएगी जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, तो यहाँ पर या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 या फिर 7 आएगा, राइट। अब 2 तो यहाँ नहीं आ सकता, 2 क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज हमें लोएस्ट चाहिए। ओके, 2 को यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक लोएस्ट नंबर चाहिए होगा, क्योंकि 2 क्या होगा, ये तो 2nd lowest होगा ना, बिकॉज यहाँ पे साफ गिवन है कि ट्विंकल को मैंगो पसंद है और वो 2nd lowest नंबर का जो फ्रूट है वो खाएगी। ओके, 2nd lowest नंबर ऑफ फ्रूट्स खाएगी, तो
अगर टू को हम ट्विंकल के पास रखते हैं तो ये सेकंड लोएस्ट होगा, अगर ये सेकंड लोएस्ट है तो हमें एक लोएस्ट भी चाहिए होगा ना, और लोएस्ट यहाँ पे तो है ही नहीं, बिकॉज वन को हम ले नहीं सकते, हमें ग्रेटर देन वन चाहिए, तो वह टू भी नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी इसकी, एक तो थ्री की बनेगी, एक फाइव की बनेगी, एक सेवन की बनेगी। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा आपका थ्री, ओके, यहाँ पर आ जाएगा फाइव एंड यहाँ पर आ जाएगा सेवन, तीनों पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं। राइट, प्रीलिम्स में आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है फटाफट प्रीलिम्स में पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, आगे जो पॉसिबिलिटीज है आपकी कट जाएंगी। राइट, देन रिचा लाइक नेदर एप्पल नॉर गुआवा। रिचा को जो है वो एप्पल पसंद नहीं है एंड गुआवा पसंद नहीं है। अब एप्पल एंड गुआवा पसंद नहीं है तो रिचा को क्या पसंद होगा, यहाँ पे आपका एक ही फ्रूट बचता है जो कि है लीची। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा लीची, ओके। अब एप्पल एंड गुआवा में पिंकी एंड स्मृति को मिलेगा। राइट, अब किसको क्या मिलेगा ये नहीं पता, आगे देखते हैं। द गर्ल हु लाइक गुआवा ईट्स फाइव फ्रूट्स लेस देन वन ऑफ द गर्ल। तो वो लड़की जो गुआवा खा रही है, ओके, वो किसी भी पर्सन से फाइव फ्रूट्स लेस देन खा रही है। राइट, मतलब इसका जो भी नंबर आएगा उससे किसी भी पर्सन का जो फ्रूट्स हैं उस वो फाइव प्लस होंगे। ओके, तो दोनों ही चीज़ों को आप मान सकते हो, या तो ये मान सकते हो कि ये जो लड़की है ये किसी के फ्रूट से फाइव कम खा रही है, या फिर ये जो लड़की है इससे कोई फाइव ज़्यादा खा रहा है। ओके, तो आपको ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस लाइन को चाहे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। देन The difference between the number of fruits eaten by Richa and Twinkle is 3. So, जो Richa and Twinkle के बीच में जो difference है वो कितना है, 3 का है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट डायग्राम में। तो अगर 3 का डिफरेंस है रिचा एंड ट्विंकल में, तो यहाँ पे अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। ओके, ट्विंकल को क्या गिवन है, 3 गिवन है, 3 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब 3 क्या होगा, प्लस होगा। अब 3 प्लस होगा तो यहाँ पे रिचा को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, सेकंड वाले कंडीशन में आओगे तो यहाँ पे 5 गिवन है। अब 5 गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस करती हूँ तो रिचा को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे 2 मिल सकता है इसको, तो हम लिख लेते हैं 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 में 3 प्लस करती हूँ तो रिचा को क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, जो कि ये भी ठीक है हमारा यहाँ पे। ओके, ये भी तो हमारी कंडीशन हो सकती है ना। राइट, देन अब इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड वाले डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पे 7 में अगर हम 3 प्लस करते तो ये 10 आ जाएगा, और 10 को तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते बिकॉज ये आशा गिवन है, मतलब हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, और 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिचा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो चारों कंडीशंस में हमने बना ली पॉसिबिलिटीज, अब आगे बढ़ते हैं। राइट, देन अब पॉइंट कहाँ से पिक करें, देखो यहाँ पे इन दोनों के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चला है कि बनाना एंड गुआवा को लेकर, सॉरी एप्पल एंड गुआवा को लेकर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐसी एप्पल एंड गुआवा। राइट, आगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कट यहाँ पे कर देंगे। राइट, देन आगे गिवन है कि स्मृति एंड पिंकी सेम नंबर ऑफ फ्रूट खाएंगी। राइट, तो अभी तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, ये देखते हैं। स्मृति माइनस 3, स्मृति में से अगर हम 3 को माइनस करें तो किसका नंबर आ जाएगा, यहाँ ऊषा का नंबर आ जाएगा। राइट, अब हम इसको बनाते हैं, अब हम स्मृति को कौन सा नंबर दे सकते हैं। देखो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो हम 10 नहीं दे सकते क्योंकि 10 ऑलरेडी यूज हो चुका है, हम 9 दे सकते हैं। ओके, हम अगर 9 देते हैं इसको तो यहाँ पर 9 आएगा, अब यहाँ पे 9 आएगा तो अगर मैं 3 माइनस करूंगी क्योंकि स्मृति में से अगर 3 माइनस होगा तो ऊषा को मिलेगा, तो अगर मैं 9 लिखती हूँ और 3 माइनस करती हूँ तो ऊषा को 6 मिलना चाहिए, बट 6 यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है तो यानी कि यहाँ पे 9 भी नहीं आएगा स्मृति को। अब अगर मैं 8 का यूज करती हूँ तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं एंड 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऊषा को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, यहाँ पे ऊषा को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ पे ट्विंकल को ये गिवन था कि ये आपका सेकंड लोएस्ट है। ओके, अब सेकंड लोएस्ट है ट्विंकल, यानी कि 3 के नीचे वाला एक नंबर जरूर यूज होगा। अब 3 के नीचे वाला एक नंबर जरूर यूज होगा यानी कि यहाँ पे 2 जरूर यूज होगा। ओके, अब 2 जरूर यूज होगा यानी कि 2 यहाँ पे तो आ नहीं सकता पिंकी एंड स्मृति में से, पिंकी एंड स्मृति में 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें से हम माइनस 3 करेंगे स्मृति में से तो हमें ऊषा को देना है। राइट, तो यानी कि 2 कहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। ओके, और 2 में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 को प्लस कर दो या फिर स्मृति में से 3 को माइनस कर दो, बात सेम ही है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये बन जाएगा आपका डायग्राम, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज में भी हमें चेक करना है बिकॉज हमारी कंडीशन तो 3 बन रही है ना, तो हम इस पर भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ट्विंकल जो है वो सेकंड लोएस्ट है। अब सेकंड लोएस्ट है तो 5 के नीचे जो भी नंबर है 4, 3, 2 इनमें से हमें कोई एक नंबर लेना है, तो हम यहाँ पे रिचा के लिए ऑलरेडी 2 नंबर ले चुके हैं, यानी कि अब जितने भी नंबर हमें लेने हैं 5 से ऊपर लेने हैं, विच इज 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, विच आर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हम स्मृति को कौन सा दे सकते हैं। अगर मैं स्मृति को 10 तो मैं दे नहीं सकती हूँ, राइट, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑलरेडी यूज है। अगर मैं 9 देती हूँ यहाँ पे स्मृति को, तो यहाँ पर हम ऊषा को 6 दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा, और पिंकी को भी क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि सेम नंबर है। बट स्टिल
अभी और भी कंडीशन देखते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें कोई भी नहीं छोड़नी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 8 देती हूँ, 9 की जगह अगर मैं 8 देती हूँ, तो अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे उषा को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 5 हमने किसको दे रखा है, ट्विंकल को दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो 8 है वो नहीं आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 7 यूज करती हूँ, 7 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, यानी कि उषा को हमें 4 देना पड़ेगा, जो कि हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 5 हमारा सेकंड लोएस्ट है और उससे हम एक लोएस्ट नंबर 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके अलावा हम 3 और 4 का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे ऊपर 9 आएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। इस कंडीशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखो सेकंड लोएस्ट क्या था, हमारा 7 था। ओके, अब सेकंड लोएस्ट जो है वो हमारा 7 था, तो इससे लोएस्ट हम क्या ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं। तो यानी कि अब हमें 7 से ऊपर वाले नंबर लेने हैं। अब 7 से ऊपर कौन सा नंबर है, हमारे पास 8 एंड 9, सिर्फ यही नंबर तो है, बिकॉज 10 तो हम यूज कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ, उसमें से 3 माइनस करती हूँ, तब भी वो 7 से नीचे जा रहा है, और अगर मैं 8 लेके उसमें से 3 माइनस करके 5 लिखती हूँ, तब भी वो 7 से नीचे जा रहा है, जबकि हमको 7 से नीचे चाहिए ही नहीं, बिकॉज 7 सेकंड लोएस्ट है और 4 जो है वो लोएस्ट हम ले चुके हैं। यानी कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे कट हो जाएगी। ओके, ये जो पॉसिबिलिटीज है, जो हमारी पॉसिबिलिटी बनी, ये तो यहाँ पे कट हो जाएगी। इस पर आ जाते हैं, तो सेकंड लोएस्ट हमने यहाँ पे 5 लिया था। अब 5 लिया था तो हमें 2, 3 और 4 में से हम कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं स्मृति एंड पिंकी के लिए। तो सबसे पहले मैं 9 रखती हूँ, तो अगर मैं 9 रखूंगी, तो अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 रख के यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ओके, लेकिन अभी हम और भी नंबर रख के देखते हैं। तो अगर मैं 8 रखती हूँ तो 3 माइनस करूंगी तो 5 आएगा, लेकिन 5 ऑलरेडी यूज है, यानी कि 8 जो है ऊपर नहीं आएगा। बट अगर मैं 7 रखती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, यहाँ पर आ जाएगा 10, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5। तो 7 रखती हूँ तो अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, राइट। एंड इसके बाद अगर हम और पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 6 रखती हूँ तो 3 माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। क्योंकि 5 से नीचे तो हम नहीं ले सकते ना, लेकिन 5 से ऊपर तो हम ले सकते हैं। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी इसमें और निकलेगी, जिसमें यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 5, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। इससे कम की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पे हम 5 नहीं ले सकते, राइट। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बन रही है। अब हम आ जाते हैं आगे, तो हम बाकी कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं। तो स्मृति एंड पिंकी सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये कट कर देंगे। स्मृति में से 3 माइनस करेंगे तो ऊषा आएगा, इसे भी कट कर देंगे। गुआवा जो है, उसके बारे में ये गिवन है कि जो भी पर्सन जो गुआवा खा रहा है वो किसी से, मतलब 5 नंबर छोटा है, ओके, 5 नंबर छोटा है, या फिर 5 नंबर जो है वो कम खा रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे 5 नंबर कम खा रहा है, तो 6, अब देखो गुआवा के बारे में हमें पता तो है नहीं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट, और दोनों के नंबर भी सेम है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बारे में। अगर दोनों के नंबर अलग अलग होते तो हम इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर पाते कि हमें गुआवा किसको देना है, लेकिन यहाँ पे दोनों के नंबर भी सेम है, तो हम इस बात को कंफर्म यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अगर 6 में अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 नंबर तो यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे कट जाएगी। देन यहाँ पे 7 है, तो 7 में अगर मैं 5 प्लस करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 और 12 आ जाएगा, लेकिन 12 तो यहाँ पे नहीं ले सकते ना, ये भी कट जाएगा। अगेन 9 से हम 5 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 9 गिवन है, तो इसमें भी अगर हम 5 प्लस करेंगे तो ये भी यहाँ पर कट हो जाएगा। देन यहाँ पे इस कंडीशन में आते हैं, तो अगर हम 5 गिवन है, 5 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 10 हो जाता है, और 10 हम किसको दे रहे हैं, यहाँ पे आशा को दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी। ओके, तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये आंसर हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन हमको पॉसिबिलिटी कोई भी इग्नोर नहीं करनी होती है, ये एक चांस की बात है कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला डायग्राम जो है ये लास्ट में जाके बनता, एंड इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो लास्ट में आती। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो बाकी पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसे कट हो रही है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बट स्टिल एग्जाम में अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपका कोई भी एक डायग्राम बन जाता है तो आप उसको एक बार उसकी सारी कंडीशंस को मैच कर लो कि अगर फॉलो हो रहा है तो आपका वहीं पे करेक्ट आंसर मिल जाता है। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ईट गुआवा फ्रूट, कौन सा पर्सन जो है वो गुआवा फ्रूट खा रहा है या फिर खा रही है। ओके, तो यहाँ पे गुआवा के बारे में तो हमें गिवन नहीं था, ये पिंकी भी हो सकती है, स्मृति भी हो सकती है। अब ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आशा तो नहीं होगा, पिंकी हो सकती है, स्मृति भी हो सकती है, पिंकी एंड स्मृति दोनों हो सकती है। ओके, तो बोथ ए एंड बी नहीं, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी एंड सी। ओके, बी एंड सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ईटन बाय आशा, रिचा एंड उषा। तो ये फाइंड करना है कि आशा, रिचा एंड उषा ने कितने फ्रूट खाए हैं। तो आशा कितने फ्रूट है, 10, रिचा कितने फ्रूट है, 6, एंड उषा कितने फ्रूट है, 2। तो टोटल कितने होगा ये, 18। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 18। देन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ईट 3 फ्रूट्स, किस पर्सन ने 3 फ्रूट्स खाए हैं। तो यहाँ पे 3 है, एंड ये खाए हैं ट्विंकल ने, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ट्विंकल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ईट्स लीस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, सबसे कम नंबर ऑफ फ्रूट्स किसने खाए हैं, तो सबसे कम खाए हैं 2, उषा ने, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड, उषा। ओके, तो बाकी के जो वीडियोज की मैंने सीरीज बनाई थी
इजी टू मॉडरेट, उसको आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं। एंड जो हार्ड मैंने मेन स्लीवर बनाई है उसको भी प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।